फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। उत्तर पूर्वी जिला की डीएम गीतिका शर्मा द्वारा शास्त्री पार्क के गवर्नमेंट स्कूल में मतदाता सूची का अंतिम ड्राफ्ट जारी किया गया। उत्तर पूर्वी जिला की डीएम गीतिका शर्मा द्वारा शास्त्री पार्क के राजकीय सर्वोदय कन्या बाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सभागार में आगामी चुनाव के मद्देनजर आम लोगों की सुविधा के लिए मतदाता सूची का अंतिम ड्राफ्ट जारी किया गया। इस अवसर पर उत्तर पूर्वी जिला की इलेक्शन एसडीएम के साथ स्कूल की प्रधानाचार्य, बूथ लेवल अधिकारी और गैर सरकारी संगठन के सदस्य भी उपस्थित रहे। सुने आप बाइट। पूरे देश में ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जो मतदाता सूची है उसको सभी डेजिग्नेटेड पोलिंग स्टेशन लोकेशंस पर पब्लिश किया जा चुका है और इसी संबंध में जिला उत्तर पूर्व में भी जितने भी हमारे पोलिंग स्टेशन की बिल्डिंग्स हैं उन सभी में ये मतदाता सूची पब्लिश की जा चुकी है। और इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छी इस बार एक और पहल करी है कि जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं वो कम से कम एक जगह पर जाकर एक पोलिंग स्टेशन पर जाएं और मतदाता सूची हैंडओवर करें बीएलओ को, उनके साथ उसका उसको पढ़ें और एक चर्चा करें वहीं पर जो सभी वहां के वोटर्स हैं उनके साथ बैठकर हम चर्चा करें। हमारा ये स्कूल है गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री पार्क, यहां पर 7 पोलिंग स्टेशन बनते हैं। आज यहां पर मैं आई हूं, जितने भी बच्चे हैं क्योंकि आप जानते हैं सभी विद्यालयों में और जो डिग्री इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स बनाए गए हैं जहाँ पर गतिविधियां होती हैं बच्चों में जागरूकता बढ़ाने की, मतदान से संबंधित और हमारी डेमोक्रेसी से संबंधित। तो आज हमने यहाँ पर चर्चा करी है इसी विषय पर और जो बच्चे हैं यहाँ पर उनको मैंने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही अच्छी पहल की है, एक नया इनिशिएटिव है। पहले हम जानते हैं कि जब हम 18 वर्ष के हो जाते थे तभी हम अपना आवेदन कर सकते थे फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ वोटर, लेकिन अब जो 17 साल के बच्चे हैं वो एडवांस में अपना आवेदन कर सकते हैं फॉर्म 6 में। ये बात क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे और 12वीं कक्षा के बच्चे हैं, 11वीं 10वीं के हैं और जो यहाँ पे हेड ऑफ स्कूल है उन्होंने बताया कि काफी बच्चे ऐसे हैं जो 17 वर्ष के हैं और जिसकी जानकारी वो हमें दे भी चुके हैं जिला कार्यालय को। तो मैंने बच्चों को उनसे रिक्वेस्ट की है कि सब एडवांस में अपना आवेदन कर दें ताकि हम उसका वेरिफिकेशन टाइमली कर लें। और अब और भी बहुत आसानी है क्योंकि हम सारे फॉर्म्स ऑनलाइन एक्सेप्ट करते हैं।